हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को आज सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज हम ब्रोरी के शिव जी भगवान का मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग का स्थापना भी की हुई है। बहुत पुराना मंदिर है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ। और मंदिर में शिव भोले शंकर के दर्शन करके आते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी चलिए, आज आपको मैं ले चलती हूँ अपने यहाँ पर पड़ोस में ही, साथ में ही एक मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, और पता नहीं शायद कमरे में ही इतनी गर्मी होती होगी। चल पड़े, चलो यहाँ है ताला, ले चलो। दर्जी पीछे निकाल, मैं बाहर खड़ी हूँ। छतरी भी नहीं लाए राजू, हम जब बारिश लगी तब। अभी पैदल जाना हमने यहाँ पर तक। मेरे को मोटी मोटी क्यों बोलता रहता है, क्या वजह है तेरे को मेरे को मोटी क्यों बोलता है? अब तो मैं कितनी पतली होगी हूँ। और वैसे ना फ्रेंड्स, में ना एक हफ्ते से सच में ही थोड़ी हेल्थी हो चुकी हूँ, जब से मैं ब्लॉग बना रही अपने आप में खुश रहती हूँ थोड़ा। और इसमें चल तबीयत तो मेरी ऐसी रहती है, जैसे माँ अब मेरे पेट में जो पथरी हुई इसकी वजह से मेरे को कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द उठती है, खाना नहीं पचता। पर हम ये सोच के चले ना कि हमारे को वो बीमारी है वो है, तब तो ज़्यादा काम होगा। तीन चार दिन तक तो मैं डिप्रेशन में थी, वे तो मानती हूँ कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, पर फिर भी तो मैंने अपने आप को खुद संभाला। और राजीव को बड़ी ज़ोर से हंसी आ रही है, और मैं आपको पाला व्यू दिखा देती हूँ अभी। एक सेकेंड, यहाँ भी रोड पर जा रहे हैं हम। पाप सोलन दिखाई दे रहा है, सोनी माता का मंदिर भी है उधर ही है। और ये सॉरी दाबनढाला चोरी घाटी यहाँ का गांव का नाम है, और ये सोलन है। और राजीव जा चुका है आगे, ये देखना राजीव जा चुका है आगे, और मैं आगे आप अकेली ही बड़बड़ाती हुई चली हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं भी क्या बोल रही है, जिनको पता नहीं होता होगा ना, वो तो हंसी करते हैं, मेरी मजाक करते हैं, उन्हें पागल सी बोलती जा रही है कुछ। और जिन लोगों को पता है तो जैसे कि अब दिल्ली से या कहीं से बाहर से यहाँ घूमने आते हैं ना हिमाचल में हमारे, उनको तो सब कुछ पता है। और बहुत प्यारा व्यू हुआ हुआ, आज मौसम ठंडा हुआ हुआ, तो अभी आपको मैं देख के मेरे से आपको यहाँ का व्यू शेयर करती हूँ। ये हाईवे रोड है, और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां है हम यहाँ पे। राजीव, तेरे को क्यों आई थी हंसी? हंसी क्यों आई थी? गाइज, राजीव क्या बोल रहा है कि आपको नहीं आते ज़िंदगी के मजे लेने? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और इसने आज प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ घूमने का, पर अब उसको गुस्सा आ रहा है कि मम्मी के साथ बाजार जाना पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और कैसी बात है, और इसने 10:30 बजे का टाइम दिया है, और भगवान करके अभी बारिश आ जाए
और इनका कैंसिल हो जाए क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत है। कसौली का प्रोग्राम बनाया हुआ, जो कि मैंने इसको कसौली पहले भी लेके गई थी और अच्छी तरह घुमाया था इसको मैंने, पर फिर भी इसमें वहाँ जाना है। बहुत ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ट्रैफिक आ रहा है, और मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। इस होटल की मैंने पहले भी वीडियो डाली है, आप ज़रूर मैं उस वीडियो में ज़रूर उस पर विजिट कीजिए, उस वाली वीडियो पे बहुत अच्छा होटल है और आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। और ये देखिए हाईवे रोड पे है बिल्कुल, कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप अपना बैग वगैरह लाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी यहाँ पे ये है, नीचे के लिए ये है। और राजीव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा हुआ, मम्मी यार राजा ऐसे बोल रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी और मंदिर के लिए। हाय राम जी, नीचे के भी दिखा देना उधर को, कितने प्यारे प्यारे गांव होते हैं हमारे हिमाचल में और क्या कैसा लोग यहाँ पे। देखना यहाँ ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ होती है और सड़क में ये गिर जाती है तो रोड भी बंद हो जाता है और फिर एकदम से मशीनें वगैरह आती है और सड़कें बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। और यहाँ का आपको तकवीर रेलवे लाइन भी है वहाँ ऊपर साइड को, ये शिमला के लिए कालका से तो शिमला हमारी ट्रेन जाती है। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है कि ज़रूर कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स बहुत लेट हो चुकी है, 9:30 हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए, सारा काम करके आई हूँ तो आपके साथ मैं बाद में बात करती हूँ। और जितना भी हो सका मैं वह थोड़ा थोड़ा सा बता दिया आपके साथ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कभी स्पेशल आने पड़ता है ना तब तो चल वो लोग बनता भी है यहाँ का व्यू आपके साथ शेयर भी करूँ। पर मैं तो आज मंदिर के लिए आई हूँ, मंदिर जा रही हूँ तो ठीक है। फिर राजीव जो तू अभी बोल रहा था ना, दोबारा बोल तो नहीं। बोल दें मेरा बच्चा नहीं है, है? बोल दे। तो ये पता क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि मम्मी जब तक बुढ़ी नहीं हो जाती ना तो अपने खुल के जिंदगी जी, अपने मजे से ज़िंदगी जी, और ये ज़िंदगी बार बार नहीं आती। और ऐसे ऐसे बोल रहा था ना, है ऐसे बोल रहा था। और अपने इंजॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ को और हंसते रहना चाहिए हमेशा। तो हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए मंदिर में पहुंचने वाले हैं, अभी अब हम पहुंच गए हैं बरूरी। ये है बरूरी मोहन मैकेनिक लिमिटेड सोलन बरूरी कंपनी, यहाँ बियर की कंपनी है, यहाँ पर ड्रिंक भी बनती है कई किस्म की। अब इसके बारे में ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है भी कितनी बनती है, पर ये कि शराब की कंपनी है ये ऐसा सुना हुआ। वहाँ के लिए ये सड़क गई है, ये बरूरी है, और ये जो मकान है ये इनकी है, ये जो यहाँ वर्कर है उनको मकान दे देते हैं। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ये यहाँ से सड़क गई पाली साइड को, ये बचनी अब चालू हुई कि नहीं चालू हुई ये वाली सड़क यहाँ जैसे को। और ये वाली तो है ही है, ये कंपनी है आगे गियर की, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत है अंग्रेजों के टाइम की। ये रास्ता है नीचे मंदिर जाने के लिए, आ रही बच्चे
तो इस साइड बस में जाना इस साइड बस में जाना चल पड़ेंगे। और तुम जब हर एक सोमवार को ना अपन सुबह उठ के अपने मंदिर यहाँ आ जा करियो, ठीक है? आएगा कि नहीं? मतलब मंदिर भी इस्तेमाल कर रखियो यहाँ पर, मतलब ऊपर मंदिर चलो यार। सूरज को राजीव को पकड़ना नामुमकिन है। और लाइफ में मजे करो, एंजॉय करो, और क्या बोलूँ, और दुखी नहीं रहना पड़ता। देखिए ये भी पिछले साल गिरा था ना, जे आजकल के दिनों में गिरा था ये, देखिए अभी तक नहीं बना आया भाई। अब नहीं बनना है, सड़क बन निकल गई नीचे को। और क्या क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। क्या घर है ऊपर? कहाँ ऊपर? पहाड़ी के ऊपर। घर नहीं है, फैक्ट्री है। चल चले चले यार भी रे। ये सड़क अभी तक नहीं बनी, पता नहीं कब बननी होगी, एक साल हो गया इसको। राजीव मेरा बहुत दूर चल गया, गुस्सा करेगा। आई नहीं मम्मी,